ये सोशियोलॉजी का 48वां पार्ट है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की तरफ जो पूछे हुए हैं एग्जाम में। तो बताइए, ये पूछे हुए प्रश्न है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। एक व्यक्ति जिसने बहुत सा काला धन संचय किया है, कैंसर रोगियों के लिए अस्पताल का निर्माण करता है और स्वयं को दलितों का मसीहा होने का दिखावा करता है, ये किसका उदाहरण है? कृत्रिम भूमिका का या मिथ्या भूमिका का? आया हुआ प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। और चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन। श्री एक्स विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, विश्वविद्यालय में अपने विभाग के अध्यक्ष हैं, रोटरी क्लब के अध्यक्ष हैं, एक राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं। श्री एक्स की ये सभी भूमिकाएं क्या हैं? भूमिका विन्यास की अवधारणा यानी रोल सीक्वेंस, या भूमिका अनुक्रम की अवधारणा? तो ये रोल भूमिका विन्यास है या भूमिका अनुक्रम है, ध्यान रहे, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये पूछा हुआ प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न से काफी कंफ्यूज किया जाता है एग्जाम में, तो है हल्का लेकिन भारी बन जाता है। तो आपको आवश्यकता इस बात की है कि थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। भूमिका पटल यानी रोल सेट को सही रूप में कौन परिभाषित करता है? देखिए, एक ही हैसियत में एक ही व्यक्ति की अनेक भूमिकाएं या विभिन्न परिस्थितियों वाले विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न भूमिकाएं, बहुत बेहतरीन है, ये भी आया हुआ प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्न से आपका प्रैक्टिस होगा। चलिए एक इंटरेस्टिंग है, आया हुआ प्रश्न है, एग्जाम्पल है। चिकित्सा शास्त्र के छात्र की कर्मिक रूप से आने वाली अभ्यंतर यानी इंटर आवासी रेसिडेंस और स्वतंत्र परिस्थिति को समाजशास्त्रीय शब्दों में क्या कहा जाता है? परिस्थिति क्रम या परिस्थिति समूह? और भूमिका संघर्ष कब उत्पन्न होता है? किसी व्यक्ति की दो परस्पर विरोधी भूमिकाओं को निष्पादन के कारण या किसी व्यक्ति को एक साथ अनेक भूमिकाओं का निष्पादन के कारण? और भर्ती भूमिका रोल, भर्ती रोल रिक्रूटमेंट की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? हॉफमैन ने या लिंटन ने? आया हुआ प्रश्न है, तो इस पर आप जरूर ध्यान दीजिए। परिस्थिति समूह शब्द किसने गढ़ा था, मैक्स एबर या आर के मर्टन? और बताएं, पति शब्द किसका सूचक है, परिस्थिति का या भूमिका का? और आप बताइए कि भूमिका विन्यास का वर्णन किसने किया है, लिंटन ने या मर्टन ने, अर्थात मर्टन ने या लिंटन ने? मैक्सवेल ने भारतीय जाति को क्या बताया, एक बंद परिस्थिति समूह या एक निर्जातीय समूह? एक सर्जन ऑपरेशन करते समय अपनी चिकित्सा टीम के सदस्यों के साथ मजाक करता है, उसका व्यवहार किस चीज का उदाहरण है, भूमिका अंतर का या भूमिका निष्पादन का? बहुत बेहतरीन है। और मर्टन के अनुसार परिस्थिति के तीन संबद्ध पक्ष हैं, वो कौन है? मैं ऑप्शन देता हूं, भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज एवं परिस्थिति अनुक्रम।
या भूमिका ग्रहण, परिस्थिति पुंज एवं परिस्थिति अनुक्रम। मतलब मार्टन ने ये तीन चीज़ों को क्रमबद्धता से बताया है, भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज और परिस्थिति अनुक्रम। भूमिका विकलांगता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? एच डी क्रिक या रॉल्फ लिंटन? परिस्थिति एवं भूमिका के अवधारणा को सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से किसने विकसित किया? रॉल्फ लिंटन या पार्सन्स? ये किसकी मान्यता थी कि समाज ही भूमिका संघर्ष को कम करने की पद्धतियां प्रदान करता है, मर्टन या स्पेंसर? वर्ग क्या है, एक परिस्थिति समूह या व्यावसायिक समूह? परदत्त एवं अर्जित परिस्थिति के युग्म की आधुनिकीकरण को समझाने में किसने उपयोग किया है, लर्नर ने या इंकेल्स ने? कल्पना में पूर्वाभ्यास किससे संबंधित है? कल्पना में पूर्वाभ्यास भूमिका गढ़न या भूमिका दूरी? कल्पना में पूर्वाभ्यास। मूल परिस्थिति की स्टेटस की रचना किसने की, ईटी हिलर या टॉलकॉट पार्सन्स? और शिक्षक माँ पत्नी के पद के साथ संबंधित भूमिकाओं को क्या कहा जाता है, भूमिका पुंज या बहुल भूमिकाएं? बहुत बेहतरीन है, तो इस तरह से आप करते रहिए प्रैक्टिस, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू।